नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। फोटो देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ये सीडलिंग ट्रे है और इनमें हमने प्लांटेशन की है। विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे आज। ये ले लिया हमने सीडलिंग ट्रे और इनमें प्लांटेशन कैसे होता है, हम कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। हम सीडलिंग ट्रे में भी उगाएंगे, वैसे भी मिट्टी में उगाएंगे और डायरेक्ट खेत में भी डाल लेंगे बीजों को। तो देखते हैं तीनों में कितना फर्क होता है, किसकी प्लांटेशन ज्यादा होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये है सीडलिंग ट्रे, थोड़ी बहुत डैमेज थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अंदर दो दो छेद होते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी हो बाहर निकल जाए। सीडलिंग ट्रे की जो चौड़ाई है वो 1 फीट है, लंबाई 2 फीट है। यहाँ पे हमने कोको पीट लिया है, ये एक कट्टा है 25 किलो का, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बायो पीट, एग्रो पीट, कोको पीट, ये एक ही प्रोडक्ट के नाम हैं। इसके अलावा लिया है हमने गोबर की खाद, ये घर में आराम से अवेलेबल हो जाती है, और ये है परलाइट। ये हमने तीनों का मिक्सर लिया है 3:1:1 के अनुपात में, मतलब कि 3 तसले तो लिए हैं हमने कोकोपीट के, 1 तसला परलाइट का और 1 तसला लिया है गोबर की खाद। गोबर की खाद आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। ये जो कोकोपीट है ना, इसकी नमी बड़ी अच्छी है, तो हमें ये फायदा हो गया कि हमें नमी का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, नहीं तो पानी ज़्यादा भी पड़ सकता है, कम भी रह सकता है। ये मिक्सर मिक्स करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, 3 तसले हमने कोकोपीट भी ले लिया है। सारे मटेरियल को अच्छे से 2 से 3 बार मिक्स कर लेना है। चारों तरफ जो ये बड़ी बड़ी गांठें रह जाती हैं, इन सभी को भी अच्छे से मैश कर देना है। इसमें सबसे मेन चीज होती है नमी, हमें पहले नमी चेक कर लेनी चाहिए। अगर इसका अच्छे से लड्डू बन पा रहा है तो इसका मतलब है कि ये अच्छी नमी है, जो जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल यूं भी नहीं होना चाहिए कि इसमें से पानी निचुड़ रहा है, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल सूखी है, ये भुरभुरी टाइप से होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल रेडी है, चलिए इसको हम ट्रे में भर लेते हैं। ट्रे में कोकोपीट या ये जो पूरा मटेरियल हमने लिया है, ये भरते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, ये इसको दबा के नहीं भरना है, ये पोले हाथ से भरना है। अपनी मर्जी से ट्रे के अंदर जितना जा रहा है उसको तो रोके नहीं, और एक्स्ट्रा इसके अंदर डालना नहीं है, मतलब ये है कहने का कि दबा के नहीं भरना है इनको। इससे बाद में जो इसकी रूट्स निकलती है ना, उनको फैलने में दिक्कत होती है, और पानी भी उसमें फिर ज़्यादा नहीं रुक पाता है, मॉइस्चर की प्रॉब्लम आती है बाद में। सारी ट्रे ऑलमोस्ट भर के रेडी हैं, चलो अब काम करते हैं इनमें बीज लगाने का। बीज लगाने से पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा, बीज रखने की जगह बनानी पड़ेगी। उंगली से ऐसे ये छेद कर देने हैं, सारे छेद सेंटर में होने चाहिए ताकि बीज भी सेंटर में ही गिरे। उंगली से जो गड्ढा बनाएंगे वो सिर्फ नाम मात्र होना चाहिए, ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि जितना बीज का साइज है ना, उससे डबल गड्ढा होना चाहिए। तो मतलब बीज का साइज तो बिल्कुल ही नाम मात्र है, इतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया है बस। और इस पे थोड़ी सी ये कोकोपीट डाल देनी है ताकि ये गड्ढे भर जाए, बस इतना ही कोकोपीट इसके ऊपर डालना है बस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ये हल्का सा डाल के और इसको भी साफ कर देना है हाथ से, जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको निकाल देना है।
बीज ट्रे में रखने के बाद कुछ ऐसी ट्रे दिखती है और आप देख पा रहे होंगे सारे बीज हैं वो सेंटर में ही डाल रखे हैं हमने, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल 20 ट्रे थी और उनमें हमने 4 तरह के बीज लगाए हैं। ये सैजेंटा कंपनी के हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी। ये वैरायटी का नाम भी आप देख सकते हैं। इस फील्ड में हम नए हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस सैजेंटा का नाम सुन रखा था तो ये हमने सेलेक्ट किए हैं। सेकंड लास्ट काम हमारा बच जाता है पानी देने का। पानी हमने कोई ऐसे तरीके से देना है ताकि ये बीज उखड़ के ऊपर न आए, या तो किसी जर से या ऐसे ही जो ये बोतल ली है हमने इस तरीके से स्प्रे करके। लास्ट काम जो बचता है वो है इनको रखने का। इसको रखने के दो तरीके हैं, या तो किसी प्लास्टिक में इनको दबा के रखें या फिर एक एक करके सभी को अलग अलग रखें। तो कौन सा तरीका सही है प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके हमें बताना। हमने ये एक एक करके रखने का तरीका अपनाया था और ये पांचवें दिन मोस्टली प्लांट्स जो हैं वो ऊपर आ चुके थे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 70-80% अंकुरण हो गया है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।